हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी व्लॉग तो बहुत शाम से मैं शुरू कर रही हूँ क्योंकि मैंने बताया था ना, आजकल थोड़ा सा तबीयत ऐसी चल रही है। तो वैसे भी दिन भर से आज हमने कुछ किया नहीं, बस बैठे हुए थे। और प्रहान देखो अभी भी मेरे पीछे सो रहा है, वो सो रहा है आज 3 बजे से और 6 बज चुकी हैं और अभी तक नहीं उठा। बट मैं भी जस्ट अभी उठ रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं सोई, 1 घंटा सोई। बट उठ तो मैं काफ़ी देर पहले गई थी, बट अभी तक मैं लेट ही रखी थी। तो मैंने सोचा है अर्चना थोड़ा उठ जाता है, सुबह से मुंह भी नहीं धोया है, तो थोड़ा सा उठ के मैंने बाल बाल बना लिए और मेरे को कोई रबड़ भी नहीं मिल रहा है। तो मैंने ये कुछ ऐसा जुगाड़ करके रखा है क्योंकि जो मेरा रबड़ था उसने बेड के पीछे डाल दिया है, तो मैं उसे निकाल नहीं पा रही हूँ। अभी बगल में जाके कोई रबड़ ले लूँगी मम्मी से। और मैंने फिर थोड़ा सा अच्छा फील करने के लिए बिंदी लगा दी, थोड़ा शक्ल ग्लो करती है क्योंकि आजकल मेरी शक्ल ना, मैं क्या बोलूँ यार, मेरे को ऐसा लग रहा है शक्ल में पानी नहीं रह गया, ग्लो होता है ना, क्योंकि सच में बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कल डॉक्टर पे भी गई थी बट क्या बोलूँ अब। मैं डॉक्टर को भी बोल रही हूँ अंकल अंकल की डॉक्टर, मेरे को ना अच्छा सा फील नहीं हो रहा। मैं खुश हूँ बट खुश फील नहीं हो रहा और बिना मतलब दुखी फील हो रहा है, जबकि कोई दुख नहीं है। पता नहीं, बहुत एंजाइटी सी हो रही है। खैर अब लगाओ, मैं इतने दिन से तुम नोट कर रहे होंगे, मैंने कान एक ही कान में पहना है, एक कान में नहीं पहना है क्योंकि वो रात को निकल गया था और इतना मुझे आलस हो रखा है कि मैं उसे पहन भी नहीं पा रही हूँ इतने दिन से। मैं तुम्हें अपने कान की स्टोरी बता दूँ। देखो मेरे कान के वैसे इतने छोटे हैं, ये क्यूट से, ये भी मुझे प्रकाश ने गिफ्ट करे थे और ये मुझे बहुत पसंद है और रेगुलर में मैं यही पहनती हूँ क्योंकि मेरे कान में कुछ भी नहीं जाता है। अभी लास्ट 2 डेज से मैंने कान में कुछ नहीं पहना है, तो मैं अभी इसको ही पहन रही थी भाई, ये घुस ही नहीं रहा है और तो कुछ भी मेरे खानों में नहीं जाता यार, कुछ भी नहीं। शादी के टाइम पे भी वो होता है ना तुम्हारे सेट के साथ के, वो भी बहुत हैवी होते हैं, तो उस दिन मुझे पता है वो कैसे कैसे करके डाले थे। मैंने सिर्फ वो सिर्फ एक दिन पहने थे, वो शादी के दिन, शादी के नेक्स्ट डे से और आज तक ये कभी भी, मतलब मैं बड़े बड़े कुछ कान में नहीं पहनती हूँ। ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज होती हैं, फिर कुछ मैं आर्टिफिशियल पहनती हूँ, तो वो भी वो पीछे से ना क्या होता है, वो बहुत बारीक होते हैं। बट गोल्ड का मैंने जितना नोट किया है, लगभग सभी गोल्ड की चीज़ों का पता नहीं क्यों पीछे से वो जैसे डालते हैं, वो बहुत मोटे होते हैं, तो मेरे कान में जाते ही नहीं है। और ये कान मेरा कुत्ते ने भी काटा हुआ है, इसमें स्टिचेस पड़े थे बहुत पहले, मैं उस टाइम 12th में थी होंगी या फिर BSc के फर्स्ट ईयर में। तो इसकी स्टोरी लॉन्ग स्टोरी है, तो इस वजह से ये कान फिर भी थोड़ा इस कान से बेटर है क्योंकि ये फटा है ना, तो इसका जो होल है थोड़ा सा बड़ा तो सा, मतलब वैसे तो होल मेरे दिखते ही नहीं है, तुम देख पा रहे होंगे, ऐसे करके भी नहीं दिख पा रहा है, बट होल है ही नहीं और इधर वाले पर बिल्कुल नहीं है। बट इसमें ऐसा होता है कि जैसे मैं इसमें पहनूँ तो इसमें ईजिली चल जाता है, बट यार जा ही नहीं रहा है। तो मैं अभी वही कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं शेयर कर दूँ आपके साथ कि क्या हो रहा है। अभी देखना, पहले तो मुझे मिल नहीं रहा, अभी मिला तो ये जा ही नहीं रहा है। जबकि देखो इतना सा है बस पीछे से, और मैं शीशे में लगा के चढ़ा दी। मेरे को लग रहा होल बंद हो गया। चलिए गाइस इसे लॉक कर देते हैं। नाउ इट्स बेटर, अब ठीक है। कान देखो ऐसा मेरा कुछ कान है, ऐसा देख रहे हो तुम पीछे से, ये लटका पड़ा था। मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी उस टाइम, हाँ यार हमारे 12th के एग्जाम ही हुए थे, हाँ 12th में ही थी मैं क्योंकि एग्जाम दिए थे हमने बोर्ड्स के, तो होता है ना छुट्टियाँ पड़ी थी तो हम एक दूसरे के घर जाते रहते। तो मेरी एक फ्रेंड है रानी, तो उसके यहाँ गई थी मैं, मैगी खा रहे थे, मैगी मस्त करके मैगी बनाई किचन में और बैठ के खा रहे थे। पर उसका डॉगी अभी भी उसके पास मैक्सू है, उसका डॉगी का नाम अभी भी है वो डॉगी, वो इतना ऐसा है ना, मतलब वो पता नहीं क्यों उसको काटता है वो, अब पता नहीं वो कैसे, मैं तो अब उससे मिली नहीं क्योंकि मैं उसके उसके घर कभी गई नहीं, मुझे बहुत डर लगता था उसके घर जाने में। फिर और हम ऐसे ही बैठे हुए थे, ऐसे मैं बिस्तर पर बैठी थी और वो अचानक से पीछे से आया, दरवाजा शायद खुला था, उसने सीधा मेरे कान पर अटैक किया और मेरा यहाँ पर कान नीचे और मेरे हाथ पे भी निशान है, उसे मेरे यहाँ पर भी काटा था। लेट मी शो यू, अरे तो मेरी बॉडी दिख जाएगी दिख रहा है क्या? ये देखो एक ये है दांत,
और एक ये है दांत, ये कोहनी के ऊपर ये डिम्पल बन रहा है ना इसके एक यहाँ पे, ये देखो ये वाला, और ये उसके दांत के निशाने ऐसे खाप है। अब पता नहीं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, बट हाँ भाई उस दिन भी मैं इतना रोई थी ना, मेरा कान काटा था जब उसने, बहुत दर्द हुआ था। रहानू चलो बेटा गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग, आज ही उठ ही नहीं रहा है, 3 घंटे हो गए। गुड मॉर्निंग माय हैंडसम, माय हैंडसम, सॉरी उठ जाओ बेटी, उठ जाओ, उठ जाओ मेरी बेटी, चलो उधर चलेंगे दादी के पास, ठीक है। गुड मॉर्निंग, लाइट्स ऑफ कर देंगे और चलेंगे, चीजा खाएंगे, थोड़ा सा कुछ खा लो भाई, घर के अंदर तो कैसे अंधेरा हो गया है। प्रीति को छेड़ दिया। प्रीति को, प्रीति को बचाने जा रहे हम लोग। तुम करो बड़ा वाह वाह वाह। कहाँ है बे? वो है वो पीछे पे घुमा दो। ए रुक जा ना, उतरने दे, उतरने क्या? अच्छा घुमा रहे हैं भाई। वही ले ले। छी वो है? बहुत गंदा होता है। तो आगे पूछ पूछ के ले जाऊँ तो? वो तो कहीं भी मिल जाएगा है ना, मैं बोल रही हूँ तुमको उधर ही मिलेगा, ये थोड़ा मान लो बात। इनको इनका फेवरेट चिकन ना मिलते हुए निराशा से गाड़ी में बैठते हुए वापस हम लोग कड़कनाथ। कड़कनाथ तो इधर मिलेगा भी नहीं। ए पहले मुझे, भैया मैं बैठी नहीं अभी, आप बैठी। हाँ वो तो उधर ही मिल जाएगा अपने साइड, पता है मेरे को, इतना मुझे चेंज करो उसके पहले। ऐसे कैसे सोए गए? चाचू को दे दो। रहान अमन इसको दे, चलो चाचू के पास चलो, उधर है चाचू, उधर है चाचू, उधर है बेटा, वहां तो ताऊ है, चाचू वहां है। इसको देख, फ्रिज से पूरा तरबूज निकाल के। मैंने दवाई नहीं खाई है। क्या करना है इसका? क्या वापस वापस रख दो? अच्छा खा लो फिर खुद से। ए, रोटी खानी थी ना, रोटी क्यों नहीं खाई? रोटी पसंद नहीं आई आपको रोटी? ठीक है कोई बात नहीं, अभी इसे कल खाएंगे, अभी ठंड हो गई। पानी दे दो मम्मी, यार दवाई खानी है। तूने कांधे पे ये परांठे ना, तब अपन खेली में ये परांठे खाई रे। ये काने बॉल खाने दूध है टाको खाती, मुझे नहीं पता था यार। और वो तो मैं और लूंगी। अरे नहीं पता था इसमें दूध है। आजा इसको इधर लगाएंगे, ये खत्म हो गया है। पता नहीं था उसमें दूध है, कसम से मैं गिराते गिराते आ रही थी। अभी नहीं यार प्रहान, जो खाना है आपने वो खाया नहीं। और यार ड्राइनेस ठीक नहीं हो रही यार, अब तो मेरे को किसी ने सजेस्ट भी किया था सेटाफिल, अभी फाड़ रही हूँ उससे भी मेरी ड्राइनेस ठीक नहीं होगी। मम्मा को डराते हो आप? अभी बता दी आपका मूड होया है। किसका मन था वीर? क्या हो गया? क्या हो गया? आउच।
बोरो प्लस का है, बोरो प्लस बोरो प्लस नहीं लाया आप? हाँ लगा दिया वही लगाया नहीं कौन आता दो थोड़ा सा आप भूख गया था जरन खोल कुछ तो होगा जिससे ठीक हो जाएगा इधर पानी भी पी रही हूँ अब तो यार इस लड़के ने भी मेरा जीना आराम कर रखा है सच में आज रुए लाली ब्याह करना बीन से जब ब्याह करना खा लेंगे तो वो मस्त रहो मस्त ब्याह कर तो एक निन्याव भी नहीं हो गया ना खाने वाला मेरा अब एक तो था ही प्रहान साथ साथ दो हर है अभी तीसरा हार आएगा फिर एक चौथी आपकी हार आएगी है ना गुना तो मैंने ही कर रहा था चार चार पैदा करने का एक 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 प्रहान पांच हाँ बुआरी होने का तो गुना था ही बुआरी भी कोई नहीं करती कहीं नहीं करती कोई सारा एक केले बनाओ चार खड़े खाने वाले पीछे से हाँ अभी कल ही हुआ वो तो इतने एक छेद थोड़े आगे भी छेद हो रखा है इस पे आज की टी शर्ट नहीं है भाई है बड़ी मुझे अच्छी लगती है मैंने इसलिए पैक की अरे अच्छा लगता है मुझे ऐसे इसका कपड़ा बहुत अच्छा है ना रात को अच्छी नींद आती है ऐसे पोछे के टी शर्ट पहनने में कुछ कपड़े होते हैं ना गाइस कितने भी खराब हो जाए उन्हें फेंकने का मन नहीं करता तो ये टी शर्ट उनमें से है तो ये बहुत कंफर्टेबल है मतलब मैं तो क्या? क्या करना फिर से धोना पड़ेगा अब उसको ना मैंने सब रेडी कर दिया अपना शरीर कपड़े भी चेंज मुंह भी धो लिया अब मैं तो बिल्कुल पानी में नहीं जाऊंगी अब सॉरी हाँ ये कपड़े चेंज करो इसके वैसे भी कहाँ था भूभू बाहर था वो तो गेट पे वो तो चले गया सोने अपने घर पर तुम क्यों भूभू बने हो हंसना कहाँ सीखा आजकल ये क्यों है सच्ची है निंदर भाई स्पष्ट पूरी क्या आया कहाँ है बाबा काटेगा वो अब ये किसने चाटा इधर लाओ दे दो ये कागज मम्मी को दे दो खाली कागज दे दो मम्मी को हो गया खत्म बाय चलो यार स्कूल ये इसके ना इसके साथ तो कभी मन नहीं करता इसकी बातें सुन सुन के ना हो ऐसा रखा जैसे पता नहीं कौन से मिट्टी में भेजा था ये हनुमान चलो किश्नू हम सो जाते हैं चलो गाइस सोते हैं गुड नाइट मिलती हूँ कल।